नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं और 9 देवियों की उपासना भी करते हैं। कहते हैं कि माँ दुर्गा को जो भी सच्चे मन से याद करता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है, उसको माता अवश्य पूरा करती है। आषाढ़ तथा माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्र में लोग माता के पाठ और भजन कर मन वांछित फल की कामना करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में हर तिथि का अपना महत्व है। 9 दिन देवियों के अलग अलग विशेष रूप की पूजा की जाती है। किस दिन किस देवी की आराधना की जाए और क्या भोग लगाया जाए, इसका अलग ही महत्व है। तो आइए जानते हैं कि किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि की चौथी तिथि में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के चौथे दिन की प्रमुख देवी मां कुष्मांडा है। चतुर्थी के दिन मां कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु व यश में वृद्धि होती है। यह देवी रोगों को तत्काल नष्ट करने वाली है। इनकी उपासना करने वाले भक्त को धन धान्य और संपदा के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। माँ दुर्गा के इस चतुर्थ रूप कुष्मांडा ने अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। इसी वजह से दुर्गा के इस स्वरूप का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माँ कुष्मांडा के पूजन से हमारे शरीर की अनाहत चक्र जागृत होता है। इनकी उपासना से समस्त रोग और शोक दूर हो जाते हैं। साथ ही भक्तों को आयु यश बल और आरोग्य के साथ साथ सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त होते हैं। आइए हम माँ कुष्मांडा को प्रसन्न कर देने वाली एक सरल मंत्र और उपाय के बारे में बताते हैं। मंत्र है ओम एम ह्रीं क्लीं कुष्मांडाए नमः। अब हम आपको उपाय बताते हैं। माता को मालपुआ चढ़ाएं और उसे गरीबों को दान कर दें। इससे सभी प्रकार की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों एवं भक्तजनों, नवरात्रि की पांचवी तिथि के बारे में हम आपको पांचवी वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।